धनी के आलू बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने धनिया ले लिए, थोड़ी सी अदरक ले लिए, हरी मिर्च ले लिए और लहसुन ले लिया है। अब इसको हम चलते हैं मिक्सी में पीसने। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं और इन सब चीज़ों को पीस लेंगे। ले लिए हैं बॉईल किए हुए और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। इसमें मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है और ये मेरा गर्म हो गया है। अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं और साथ में थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा। चलिए अब हम इसमें ये जो हमने चटनी पीसी थी धनिया की, इसको डाल देते हैं इसमें। हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। चलिए हमारा भून जाएगा तब हम इसमें आलू डालेंगे। तरीके से हमारा भून गया, अभी इसमें आलू डाल देते हैं। और अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं, साथ में थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, थोड़ा सा सफ़ेद नमक भी डाल देते हैं, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमने धनिया में भी चटनी में भी डाला हुआ था। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। देखिए हमारे धनिया के आलू बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसको चलते हैं सर्व करने के लिए। इसको आप आलू कचालू भी कह सकते हैं क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब हमारे आलू रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी नमकीन डाल देते हैं। ये नमकीन डालने से और भी टेस्टी लगते हैं। पराठे के साथ भी खा सकते हैं और स्नैक्स के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमारे धनिया के आलू बिल्कुल रेडी हैं।